तो डेट एंड टाइम की टेस्ट फॉर्मूले के अगली सीरीज में हम बात कर रहे हैं आठवां नंबर क्वेश्चंस, जो कि है ड्यू डेट कैलकुलेट करने की। तो ज्योति जी एंड भुवन जी, क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? तो क्रेडिट कार्ड का आपका एक बिलिंग साइकिल होता होगा और उसका एक पेमेंट डेट होता होगा, ड्यू डेट इसको बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरी जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिलिंग साइकिल है 5 से 6, मतलब हर महीने की 6 तारीख से लेके अगले महीने की 5 तारीख की जो भी हम शॉपिंग करते हैं वो 6 तारीख को बिल जनरेट हो जाता है और 26 तक देना होता है। अगर मान लीजिए मैं 1 तारीख को पेमेंट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए 1 जुलाई को मैंने अगर शॉपिंग की है तो उसकी ड्यू डेट होगी 26 जुलाई, क्योंकि वो 6 जुलाई को उसका बिल जनरेट होगा ना, 5 जुलाई को बिलिंग साइकिल पूरा होगा, 6 को उसका बिल जनरेट हो जाएगा और 26 तक देना होगा हमें। लेकिन मैं अगर बात कर लूँ कि मुझे अगर 10 जुलाई को परचेज किया है तो वो तो अगस्त के 6 अगस्त को बिल जनरेट होगा ना, तो 26 अगस्त तक हमारा ड्यू डेट है। तो यही ड्यू डेट कैलकुलेट करने का यहाँ पर था। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट? तो यहाँ पे हम इफ का कंडीशन लगाएंगे, इफ में डे, डे क्या करता है, इसमें से डे को अलग करता है। डे हमने यहाँ किया, अगर डे इज ग्रेटर देन है आपका 5 तो डे, में हमने 2000 या ईयर में से हम ईयर, क्योंकि इसी का ईयर लेना है ना हमें, इसमें से ईयर को ले लिया, कॉमा मंथ, हमने इसमें से मंथ को अलग ले लिया और डे हमारा 26 है। 5 तारीख 26 है मतलब कि +1, 5 तारीख से ऊपर की कैलकुलेशन है, मतलब कि जो डेट है उसके 26 तारीख लेकिन अगले महीने की 26 तारीख, इसलिए हमने मंथ में क्या किया है +1 कर दिया है। और फिर कॉमा करेंगे कि भाई इसमें सिर्फ इसी महीने की 26 तारीख दे रहा है। ज्योति जी आपने दोबारा जो फिर लगाया डेट इयर्स, ये फिर दोबारा क्यों लगाया? सर दो डेट है ना हमारे पास, अगर मान लीजिए मैं अगर 26 तारीख फिक्स है, मंथ और ईयर फिक्स नहीं है, ये डेट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर परचेज एक से 5 के बीच में हुआ है, इसका महीना मतलब है कि उसी महीने की उसी महीने की 26 तारीख ये फॉल्स में आ गया। अगर 5 तारीख से ऊपर है, 5 से 30 के बीच में है, 6 से 30 के बीच में है, तो उसके अगले महीने की 26 तारीख, समझे कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि आज हम कोई शॉपिंग करते हैं तो इसकी ड्यू डेट कब आएगी? अगस्त में आएगी। क्लियर है? ये फिक्स डेट हो गया ना 26 अगस्त 26 सितंबर, यानी कि 1 मंथ प्लस करके नेक्स्ट मंथ के 26 को फिक्स डेट हो गया ना ये? जी 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 ओके।